तो आज बोला सुनील भैया की शेयरिंग है आ, असिस्टेंट एम 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 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निते युडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में भैया ने पहला वर्कशॉप अप्रैल ट्वेंटी थ्री में किया है ऑनलाइन मोड में और भैया अपने कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट में यूएचवी कोऑर्डिनेटर कोआर्डिनेटर भी है तो जी बोला भैया नमस्ते नमस्ते दीदी आ, आ, पहला नमस्ते। आ, जो पॉइंट है मेरे बारे में आपको मैं बता दूं मैं सुनील कामत उम्र पैंतालीस साल विश्वेश्वर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगावी कर्नाटक से 2020 में पीएचडी इन क्लाउड कंप्यूटिंग की पदवी हासिल की है मैं शादीशुदा हूँ और मेरे तीन बच्चे हैं बीबी हाउसवाइफ है बच्चों में पहला लड़का फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एन एम ए एम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है ये मेरा कार्यालय भी है दूसरा बेटा पंद्रह साल का है और दसवीं कक्षा का परीक्षा देने जा रहा है तीसरी बेटी आठवीं कक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें पढ़ रही है मैं कारकल तालुक उड़पी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं करीब सात से आठ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काम कर चुका हूँ जैसे कि बैंगलोर मैंगलोर और उड़पी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मैंने करीब तेईस साल इंजीनियरिंग पढ़ाने में कंप्यूटर साइंस लगा चुका हूं मेरी हॉबी भगवान के भजन गाना और अच्छी किताबें पढ़ना है तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और मेरा अब दूसरा पॉइंट जो शेयर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एमर उट ऑफ एक्सरसाइज वन एंड टू उसके बारे में मैं कहना तो इसके बारे में मेरी समझ सुबह का सत्र करने से सत्री है पहले अभ्यास में मैं कुमार भैया की वाक्यों से बहुत प्रभावित हुआ स्टेप वन में मैंने ये देखना ये ठहराओ और कभी महसूस नहीं किया था आ, मतलब मैं को मैस के द्वारा देखना। मैंने फिर स्टेप टू में अपने को देखने के बाद अपने घर या कॉलेज में अपने बर्ताव को जांचना शुरू किया मैंने मेरे उद्वेग को काबू करने का प्रयास किया स्टेप थ्री में मैंने अपने आप को जांचने का काम जारी रखा मैंने पाया कि मैं कभी अपने को लय में पाता हूं तो कभी लय में नहीं और स्टेप फोर में जो कि सेल्फ एवेल्युएशन डिसाइड्स है मैंने अपने आप को दूसरी परिस्थिति में निर्णय का करते हुए पाया या मतलब मैं ही निर्णय लेता हूं मतलब ये मैंने पाया स्टेप 5 जो कि सेल्फ इवैल्यूएशन द बेसिस फॉर डिसिशन राइट अंडरस्टैंडिंग और अजंपशन यानी सही समझ या मान्यता है पर मेरे जांचने का काम जारी रहा मैंने अपने आप को प्योर ऑब्जर्वर के रूप में रख रख रखने का रखने को देखा कभी सफल हुआ कभी असफल पर मैंने यूएचवी क्लासेस के दौरान फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाते हुए यह बात उनको समझाने की कोशिश कर चुका था जो अब मुझे समझनी थी सही समझ सेल्फ के बारे में यही बन पाई कि मैं देह नहीं हूं बल्कि चैतन्य इकाई हूं और यही समझना है स्टेप सिक्स में जो की है नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने जड़ इकाई नहीं हूं बल्कि चैतन्य इकाई हूं तो उस चैतन्य को देखना और जड़ को उसके संबंध में देखना सही समझ के दायरे में आता है ये मैंने समझा स्टेप सेवन में आखिरी में जो कि है एंश्योरिंग माय फीलिंग्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड हारमोनी आखिरी में उन्हीं डिजायर्स या फीलिंग्स को चुनना जो रिश्ते निभाने में मदद कर सकते हैं इसको मैंने ज्यादा महत्व दिया प्रायोरिटी दिया जिनसे मैं लय में रहता हूं तो ये सब मेरे एक्सरसाइज वन के ऑब्जर्वेशन रहे हैं जिनमें मॉर्निंग सेशन अटेंड करने की वजह से मुझे बहुत फायदा महसूस हुआ है और अभ्यास दो में आ, मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना तो स्टेप वन में मैंने अपने आप को अपने देह से अलग देखने का प्रयास किया मैं चैतन्य हूँ शरीर है यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं यह से देखने का भी प्रयास किया स्टेप में मैंने अपने देह के साथ होने वाले क्रिया का अनुभव किया जैसे भूख लगती है तो परेशान होता हूँ और भोजन के बाद शांति को महसूस करता हूं या ठंड लगती है तो चादर ओढ़ लेता हूं और गर्मी में परेशान होता हूं तो पंखा चालू कर देता हूं तो इस तरह मैंने अपने आप को अपने बॉडी शरीर के बीच का अंतर मैंने जांचा स्टेप थ्री में शरीर को क्या संकेत देना है किस संवेदना को पढ़ना है इसका निर्णय मैं लेता हूं तो इस स्टेप में मैंने निर्ण, मैं निर्णय लेता हूं मैं इस चीज को समझ पाया इन सभी में जो भी है जो पंखा चालू करना है या भोजन करना है तो मैं ही डिसाइड करता हूं कि मुझे भूख लगी है ऐसे स्टेप फोर में मैं और मेरा शरीर ये दोनों अलग अलग इकाई है इसको जान जानना जरूरी है जबकि मैं बचपन से यही मान कर चल रहा था कि मेरा शरीर मैं मैं मेरा शरीर हूँ और उसका पोषण ही मेरा पोषण है तो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम का ही है हम तो हमेशा यही सोचते थे कि हम हमारी बॉडी जो है हम हैं और हमें इसको अच्छी तरह से रखना है स्कूल जाना है पढ़ाई करना है और अपने आप को मेंटेन करना है स्टेप फाइव में जो कि है वहा परिस्थितियां ब... बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर पर शरीर तक पहुंचता है उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं उसे अर्थ देता हूं उससे प्रभावित होता हूं नहीं होता हूं प्रतिक्रिया जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत करता हूं तो इस स्टेप में मैंने गौर किया कि जब मेरे सह उद्योगी ऑफिस में बात करते हैं तो वह एक एक्सटर्नल इवेंट है मैं बहुत परेशान होता था अपने कोलिग्स के साथ क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते हैं मतलब कॉलेज रिलेटेड ही प्रोग्राम करना है ये ऑर्गेनाइज करना है एफडीपी डी ऑर्गेनाइज करना है तो ऐसे वो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कॉल्स आते थे वो रिसीव करते थे तो मुझे मेरे क्लास प्रिपरेशंस में थोड़ा तकलीफ होता था क्योंकि कॉमन वर्क स्पेस हम शेयर करते थे और मैंने अपने आप को उनकी कार्यक्रम से अलग पाया तो मैं ग्रेजुअली संडे मॉर्निंग सेशंस में जो बताया गया था उसको फॉलो करते हुए मैंने अपने आप को उनसे डिसोसोशिएट करना शुरू किया क्योंकि मैं पहले परेशान होता था उससे तो मैंने ग्रेजुअली अपने आप को डिसोसिएट कर लिया स्टेप सिक्स में Uh, मैं कभी कभार ध्वंद्व uh, में पाता पाया पाता था अपने आप को करूं कि ना करूं कुछ काम अगर मैं बाहर कॉलेज uh, रिलेटेड ही uh, कभी किसी से मिलूं या ना मिलूं या अगर वो मिलूंगा तो वो क्या कहेंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस तरह से मैं हिचकिचाता था और इस वजह से परेशान हो जाता था फिर मैंने कुमार भैया से प्रश्न भी रखा था तो उन्होंने मुझे इंट्रोडक्टरी यूएच एफडीपी को अपने कॉलेज में करने का मशहरा दिया था तो ताकि मैं भी अपना अपने आप अपना जो आ, आ, जो ये है स्वभाव है उसे मैं सुधार ला सकूं। पर मैंने इस इंट्रोडक्टरी uh, वर्कशॉप को अपने पुराने कॉलेज सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हुए देखा तो उन्होंने ऑलरेडी वो वर्कशॉप uh, वहां पे बुक कर लिया था जो कि मैं जहां मैं पहले काम करता था तो फिर मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया स्टेप सिक्स बी में मैंने यह एक्सप्लोर uh, किया था कि अगर मैं आ, आ, लोगों के साथ रिएक्शन करूंगा तो वो उलझन बढ़ जाएगी मतलब जो भी लोगों के साथ मॉर्निंग सेशंस में को अटेंड करने के बाद मैंने रिएक्ट कम और रेस्पॉन्ड मोर करने करते हुए पाया और अपने कॉलेज में काम से काम तक मतलब रखा और मैं अपनी पुरानी उलझनों से अपने कोलीग्स के साथ बुरे बर्ताव से ईगो क्लैश से बाहर आने में मदद मिली स्टेप सेवन में जो कि है मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है मैं निरंतर क्रियाशील हूं जब कुमार भैया ने ऑब्जर्व माई बींग इन स्पेस को समझाया तो मैं हैरान ही रह गया जैसे मैं शून्य में हूं मेरा देह शून्य में है और डिटेल में जाए तो मेरा हर अंगांग शून्य में है एयर है उसके अंदर एयर है उन्होंने समझाया था कि उसके हर पार्ट में एयर है स्टमक में भी एयर है लंग्स में भी एयर है और जड़ को देखे ऑर्गन्स को देखे तो उनमें टिश्यूज बने होते हैं और आखिरी में अणु के लेवल पे जाए तो अणु में भी स्पेस है जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो वह भी शून्य में ही स्थित है तो इस किस्म का जो एक्सप्लोरेशन मैंने पहली बार सुना था और मैं बहुत प्रभावित हुआ तीसरा ये मेरी शेयरिंग रही रही है जो अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज और में मैंने काफी एक्सप्लोर किया और ये भी देखा कि एक नया नजरिया मतलब चीजों को देखने का मतलब पहले अपने आप मेरा मेन ये चेंज जो शिफ्ट रहा है वो है कि पहले मैं बाहर चेंज करने की कोशिश करता था लोगों को बत तुम ऐसे करो बच्चों को तुम सुधरो पहले ऐसे मत करो ऐसे करो या ऐसे ज्यादा प्रवृत्त था मगर यूएचवी के समझा समझने के बाद मैंने ये देखा कि पहले उन चीजों को अपने आप में इंश्योर कर, कर, करना है और फिर उसे एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कर्तव्य जो सामा, दूसरों को देना है तो ये मेरा थोड़ा शिफ्ट जो है थिंकिंग में जो यूएचवी uh, को अटेंड करने में जैसे कि चार महीने का सत्र अटेंड करने के बाद uh, मैंने अपने आप में देखा है और मैं इसे जारी रखना चाहूंगा तो तीसरा पॉइंट जो है हाउ मेनी स्टेप्स यू आर एबल टू सी योरसेल्फ सेल्फ क्लियरली मैं एक्सरसाइज वन में स्टेप सिक्स तक जो कि सेल्फ ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय सेल्फ इवेल्युएटिंग सेल्फ हु डिसाइड्स ये सब देख पा रहा हूं एक्सेप्ट फॉर एंश्योरिंग माय फीलिंग्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप मतलब आ, हमारा कितना कार्य अभी भी अभी मैं यहाँ पे छठा पॉइंट जो कि एंश्योरिंग शायद यहाँ नहीं है वो नहीं कर पा रहा हूं एक्सरसाइज वन का एंश्योरिंग द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप हारमोनी में थोड़ा कम काम बाकी है और एक्सरसाइज टू में कई स्टेप्स जैसे कि एक और पांच Uh, मैं देख पाता हूँ क्लियर uh, मैं क्लैरिटी uh, मतलब एक और पांच में क्लैरि क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं दे हूँ और चैतन्य uh, अलग है और दोनों अलग अलग चीजें हैं इस और uh, पे उतना ज्यादा uh, मतलब समझ नहीं आई है और uh, पर मैं निर्णय लेता हूँ मैं रिएक्ट रेस्पॉन्ड करता हूँ उसके फल परिणाम मुझे ही भुगतने होते हैं इन चीजों का मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि क्योंकि ऐसे लेक्चरर या ऐसे जब मैं डील करता हूं लोगों के साथ तो इन सब चीजों को मैंने कहीं ना कहीं जांच लिया है तो मैं कहूंगा स्टेप थ्री सेवन और सिक्स ए सिक्स बी तो मैंने जांच लिया है कुछ हद तक एक्सरसाइज टू के और आखिरी में आ, जो है हैप्पीनेस इज योर इनेट नेचर एंड नॉट एफेक्ट माने सुख स्वभाव मेरा रूप में सुख स्वभाव है या प्रभाव इस बिंदु पर कितने स्पष्ट बनी स्पष्टता बनी है आ, तो मैंने तो हमेशा सुखी रहना चाहता हूं आ, पर भविष्य में ना सुखी होने का डर सताता है मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि आगे क्या होगा या भविष्य में मैं क्या सुखी रह पाऊंगा ऐसा फील होता है तो ये सही अः यह सही सही सहज स्वीकार्य नहीं है यह मेरे लिए सही सहज स्वीकार्य नहीं है और प्रोग्राम और मैंने इसलिए इसको इस पर जोर देते हुए जितना हो सके अपने कॉलेज का काम ऑफिस का काम सेपरेट और घर का काम सेपरेट करने की कोशिश की है और उसको मिक्स नहीं करता कॉलेज का, का काम मैं घर में नहीं लेके आता या घर का परेशानी कॉलेज में नहीं ले जाता इस चीज पे मैंने आइसोलेट करने की कोशिश किया था कि मैं अपने उलझनों से बाहर निकल सकूं तो ताकि मैं हमेशा सुखी रह सकूं तो और मैं बहुत प्रॉब्लम में भी था कुछ दो तीन साल से बहुत प्रॉब्लम में था क्योंकि मुझे घर में तीन बच्चों को संभालने के संभालना था और मेरे जॉब में भी चेंज किया हुआ था आ, तो आ, मजबूरन घर में बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे नया काम सीखना था नए कॉलेज जब चेंज करते हैं तो वहाँ का सिस्टम वहाँ के लोग बदल जाते हैं तो पुराने कॉलेज में दस साल से काम कर रहा था तो जब मैंने शिफ्ट किया तो मुझे नया कॉलेज का सिस्टम समझना था तो इसलिए मैं बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था ताकि मैं तो और मैं बहुत उलझन में भी था फाइनेंशियली भी बहुत वीक था मैं पर यूएच ने मुझे प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने में मदद की है थोड़ी स्पष्टता प्राप्त हुई है कि प्रॉब्लम क्या है जैसे कुमार भैया समझाते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी या रिलेशनशिप इनमें किसको प्रायोरिटी दें और किसको नहीं तो इन uh, तो मुझे uh, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी बनी जिससे मेरे कॉलेज का कार्य और घर का कार्य को निभाने में मदद मिली है तो ये मेरा शेयरिंग ऑन फोर्थ पॉइंट था और आखिरी में मैं कमिटमेंट में के बात करूं तो मैंने इस दौरान अपने कॉलेज में फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को यूएच वन से अवगत कराया है क्योंकि मैंने जब मेरे हेचोड़ी ने मुझे जब अप्रैल में उन्होंने मुझे कहा कि तुम यू अगले सेमेस्टर में करो तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था मैंने यू वी कोर्स पहले दिसंबर में एक बार पांच दिन का कोर्स किया था पर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि मैं एक सेशन में एब्सेंट था और UHV का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है एक हर सेशन अटेंड करना पड़ता है ये तो सभी जानते हैं तो मेरा सर्टिफिकेट रह गया था फिर दूसरी बार मैंने फेबरवरी में ट्राई किया था तो मैं सिर्फ पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया क्योंकि बाद में मेरे को बहुत कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीस आ गई और मैंने वो सेशन रजिस्टर किया था पर कंप्लीट नहीं कर पाया था UHV एच वन का फिर बाद में आखिरी में जब मुझे सेमेस्ट uh, सब्जेक्ट uh, दिया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो आप नहीं पढ़ा पाओगे तब मैंने अपने आप अपना, अपना गेयर्स बदल दिया और मैंने बहुत सीरियसली uh, इसको सुना हर हर सेशन अटेंड किया आ, और वो हिंदी में था और तो आ, मैंने उसको कंप्लीट किया पांच दिन का सा, सारे पोल्स और ये सब कंप्लीट करते हुए मैंने उस और मुझे एक महीने मतलब एक महीने बाद उसका सर्टिफिकेट मिला भी और तब तक मैं अपना यू बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाने शुरू कर चुका था और मैंने अ, मैंने इसे बहुत प्रोफेशनली लिया है जैसे मैं कोई और टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उसी तरह से मैंने यू को लिया है उसको भी उतना ही टाइम दिया है सारे यूएचवी नोट्स क्वेश्चन एंड आंसर जो जो भी मेरे कोलीग कॉलेज कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने उन्होंने भी पहले ये कोर्स कर, करा हुआ था और उन्होंने मुझे ये नोट सब दिए तो मैं मैंने उ, 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 उन सभी को रीड किया फिर उसे स्टडी किया और अपने 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 खुद के स्लाइड्स बनाए आ, जब मैं जो भी स्लाइड्स बनाता हूँ उसमें बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह सब डालता हूँ ताकि वो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ता, तो मैंने वो किया और वहाँ बच्चों तक बात पहुँचाने की कोशिश की कि वैल्यूज भी जरूरी है जैसे कि Uh, हमारे एस्पिरेशन सिर्फ स्किल को बढ़ाने में नहीं है या वैल्यूज भी बहुत uh, जैसे ट्रेन की दो पटरियां हैं जैसे स्किल एक पटरी है तो वैल्यू दूसरी पटरी है ऐसे मैंने समझाया उन्हें तो मैं डेफिनेटली uh, इस, uh, इसको जारी रखना चाहूंगा यूएचवी uh, को uh, क्योंकि मैं डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर हूँ इंफॉर्मेशन साइंस का और फिर इस सेमेस्टर में आ, आ, मेरे अगले और डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज हैं उनके साथ भी बात करता रहता हूं जो यूएच लेते हैं उनको उतना मतलब आ, गिवन द वर्कलोड उतना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है यू को बच्चों तक पहुंचाने में तो उनकी उन उनको पूछता रहता हूं मैं और अपने सीनियर कॉलेज कोऑर्डिनेटर से बात करता रहता हूं इस बारे में और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एस के द्वारा जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और हमारे कॉलेज में जो यूएचवी का सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में एसेस होता है इस चीज में मेरे को थोड़ा ये लगता है कि बच्चे दस मिनट में वो अटेम्प्ट करके चले जाते हैं मतलब सब्जेक्टिव uh, टेस्ट uh, uh, नहीं लेते हम लोग तो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा मतलब वो पढ़ के आते हैं और उस, उनको ए बी uh, मतलब uh, ये लगाना होता है टिक uh, मार्क लगाना होता है ऑनलाइन uh, कंप्यूटर में टे, बेस्ड टेस्ट रहता है यूएचबी का तो मैंने कुछ अपने और साथियों से बात कर रहा था कि वो क्या सब्जेक्टिव मतलब उनको जैसे प्रबंध जैसे क्या लिख पाए सब्जेक्टिव टेस्ट ले पाएं, तो इन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा था अपने कोलिग्स के साथ तो ये मेरी कमिटमेंट रही है सो फार गिवन द सर्कमस्टेंसेस जो मेरी घर में बनी है जो मेरे कॉलेज में बनी है और मैं डेफिनेटली हर प्रयास करूंगा यूएचवी को सभी का सभी तक पहुंचाने में और मेरी ओर से सभी यूएचवी कार्यकर्ता को अनेक अनेक शुभकामनाएं थैंक यू कुमार भैया थैंक यू शर्मिला दीदी और सभी यूएचवी साथी जो इस इसको हम तक पहुंचाने में जुड़े हुए हैं मैं तय दिल से आभार प्रकट करता हूं कुमार भैया आ, आप भैया की शेयरिंग के बारे में अपनी बात तो भैया जी तो बोला भैया आपने बड़ी सरलता से बिंदुआ ढंग से एक एक बिंदु पे जितनी गहराई और विस्तार तक ध्यान गया है उसको रखा और ये दिखाई दिया कि आप निष्ठापूर्वक सुबह का सत्र अटेंड करते रहे हैं और हर एक बिंदु से कैसे आप लाभान्वित हुए हैं अपने जीने में कैसे कैसे ध्यान गया है कैसे आप अपनी विकट परिस्थितियों से भी उभर पाए हैं इस वस्तु को समझते हुए ये एक महत्वपूर्ण बात है इसका मतलब हम उसके अर्थ में जा पा रहे हैं जैसे आपने बताया कि दो तीन वर्ष तक काफी परेशानी रही और इस बात को सुनते हुए आप उन परेशानियों से उभर पाए और परिवार में भी उससे स्थिरता आई परिवार में हारमोनी रही तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अभी हम लोग ये जो सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं इसमें अगर हम इन शब्दों के अर्थ में जाना शुरू करते हैं तो हमारे पूरे जीने में परिवर्तन और परिमार्जन दिखाई देने लगता है मुझे लगता है भैया ये आपका पहला बैच था पहली बार ही आपने अटेंड किया ना हाँ हाँ भैया जी बढ़िया भैया तो मेरी आशा है कि आप आगे भी सुबह का सत्र अटेंड करते रहेंगे तो अभी ध्यान टुकड़ों टुकड़ों में जा रहा है इसलिए बोलने में भी ऐसा लग रहा था कि बहुत विचार पूर्वक आपको अपनी बात रखनी पड़ रही है परंतु आप आगे भी अगर सत्र अटेंड करते करते रहेंगे रहेंगे और बारीकी से अपने भाव पे काम तो फ्लो भी भी आ जाएगा अच्छी बात ये भी है कि आप में हो रहे परिवर्तन के प्रति पत्नी भी आशान्वित है प्रोत्साहित कर रही है वो खुद आपको सुबह सत्र अटेंड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है जी भैया जी और कुछ स्टेप से मुझे लगता है कि अभी आ, और थोड़ा पूर्वक देखा जाए तो जो शब्द कहे जा रहे हैं उनका अर्थ और ठीक से स्पष्ट हो पाएगा उसमें हम सबको समय लगता है तो आप अगली बार जब इस बैच को सुबह के सदर गठन करेंगे बैच नाइन में तो उन मुद्दों और दे दे पे और क्लैरिटी बनेगी स्पेस पे ध्यान जाना स्पेस को देख पाना ये थोड़े आगे की स्थिति है उस पर धीरे धीरे काम होगा अपने अंदर तो मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामना बधाई एक बैच को अटेंड करते हुए आपने काफी सारा परिवर्तन दिखाई दिया है और बड़े भोलेपन से आपने हर एक बिंदु पे बात की परिवार में भी अनुकूलता है तो आशा है कि आगे और अच्छी गति बनेगी आपकी बनेगी परिवार के सदस्यों की बनेगी बच्चे जो बैचलर्स लेवल प्रोग्राम के उम्र के आसपास है उनको आप चाहे तो इनवाइट कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स का वर्कशॉप होता है उसको भी अटेंड कर सकें जैसे आज से ही स्टूडेंट्स का एक शाम का वर्कशॉप हो रहा है उसमें अगर बेटी या बेटा कोई अटेंड करना चाहे तो उसके लिए भी स्वागत है तो आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं उसको बच्चे भी अप्रिशिएट कर पाएंगे तो आगे और अच्छी गति बनेगी परिवार में जी कुछ बातें जो आप रख रह रहे थे जैसे भजन को लेकर तो ये जो हम सुबह में दो घंटे का समय लगा रहे हैं ये भी भजन ही है भजन का मतलब क्या हुआ भाव से भर जाना संबंध के भाव से व्यवस्था के भाव से सस्तित्व के भाव से भर जाना जब हम इस भाव से भरते हैं तो सहज रूप से भय से मुक्ति मिलती है क्योंकि तो जो भी भय है वो संबंध के अभाव में है व्यवस्था की समझ के अभाव में है सहस्तित्व के अनुभव के अभाव में है तो जो भजन अभी हम गाते भी हैं परंपरा में गाते रहे हैं अगर उसका आप आशय देखें तो हम भयमुक्त होना चाहते हैं यानी कि हम संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के भाव से युक्त तो होना चाहते हैं उसके लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए गए हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई भाव को व्यक्त करते हुए भी वो काम हम करने का प्रयास करते हैं या हम पूरी मानव जाति के प्रति उस भाव को व्यक्त करते हुए भी भय से मुक्त होने का प्रयास करते हैं तो अगर हम उसका पर्पज देखें तो इतना ही है कि हमारे अंदर वो भाव जग जाए उन भावों से भर जाए बट कई बार क्या होता है कि लक्ष्य कई बार हमारे ध्यान से हट जाता है तो हम उन्हीं शब्दों में कई बार घूमने लगते हैं शब्द के अर्थ छूट जाते हैं और ये तो हर समय हो सकता है जैसे अभी भी जो हम शब्द कह रहे हैं संबंध व्यवस्था अगर इन शब्दों में ही रह जाए इसके अर्थ में न जा पाए तो जीने में परिमार्जन नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो भजन हम गाते रहे हैं उसके अर्थ में जाना हम छोड़ दिए और उन शब्दों में ही रह गए अगर उनके अर्थ में जाएंगे तो दिखाई देगा कि ध्यान आकर्षण इसी पे कराया जाए कि सत्य की दृष्टि हो हमारे अंदर प्रेम का भाव हो और करुणा के साथ जीना हो तो ये कई बार ऐसा देखने में आता है भजन है मंत्र है इन सब के हम कई बार बोलते तो रहते हैं पर उनके अर्थ हमसे छूट जाते हैं तो ये तो हम सब के लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है सुबह भी जो हम ये अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास एक और दो में जिन बिंदुओं की बात कर रहे हैं ये सिर्फ शब्द न रह जाए हमारे लिए बल्कि हम इनके अर्थ में जाओ और जब इनके अर्थ में जाएंगे तो शब्द कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है उसको रखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न परंपराओं में भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में अलग अलग तरीके प्रयोग किए गए हैं आशय सबका यही है कि हम सब संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जी तो इसको दो भाग में अपने को रख के देखने की जरूरत है कि उसका लक्ष्य क्या है उसको हम देखें तो उसके लिए लक्ष्य को पूरा करने कई विधियां हो सकती हैं परंतु यदि हम लिए लिए उसके एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन में बहुत सारा वेरिएशन है और अगर हम, तो तो हम सुबह में दो घंटा अंग्रेजी एक घंटा अंग्रेज, हिंदी ये भी तो भजन ही है तो इसमें भाव से भर रहे हैं और ये दिन भर अगर हमारे अंदर घूमता रहे इन शब्दों का अर्थ दिन भर हम अपने जीने का मूल्यांकन करते रहे लक्ष्य पूरा हो गया किसी को और संगीत में ढंग से कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं परंतु संगीत में ढंग से रखते समय जो थोड़ा रिस्क रहता है वो यही रहता है कि, कि जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है कई बार हम उसमें रुक जाते हैं और उसके अर्थ में नहीं जा पाते तो अर्थ तो इतना ही है इसका है ना कि हम सबके जीने में परिमार्जन हो जाए हम सब भावों से भर जाए ताकि जो विचारों में उलझन है द्वंद है परेशानी है इससे निकल पाए ताकि हमारा व्यवहार कार्य भागीदारी व्यवस्था करती हूँ करती हूँ नहीं तो बढ़िया भैया